अस्सलाम वालेकुम। नोवेल क्रिएशन के प्लेटफॉर्म पर मेरी कहानी के लिसनर्स एंड रीडर्स आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला के हाँ पर उम्मीद हूँ। क्या आप लोग अपनी फैमिलीज के साथ या सिंगल दुनिया के जिस कोने में जहाँ कहीं भी आबाद होंगे, आप लोग शाद होंगे, आबाद होंगे। तो अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे। आज हम सब लोग नोवेल क्रिएशन के प्लेटफॉर्म पर सुनने के लिए जा रहे हैं पत्थरों की पलकों पर। आइए शुरू करते हैं। सैयद कमाल से बेपनाह मोहब्बत के बायस फिलहाल वो खासी परेशान लग रही थी। शाहसर अपनी निगाहों में फिर चोर बन गया। नहीं आंटी, मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है। कितने मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए थे उसने, सिर्फ वही जानता था। साइला बेगम ने उसे पहली फुर्सत में यजदानी पैरस पहुंचने की तंबिया करते हुए राब्ता ख़त्म कर दिया। उसका जहन साइला बेगम से बात करने के बाद मजीद उलझ गया था। अनुषा की हालत ऐसी नहीं थी कि वो उन्हें उसके बारे में सच बताता। जाने क्या किया था उस लड़की ने उस रात अपने साथ कि हालत यहाँ तक पहुँच गई थी। अगली सुबह खासे उलझे दिमाग के साथ वो यजदानी पैलेस पहुँचा तो सबसे पहले मदिया से ही वास्ता पड़ा। साइला बेगम, अतर और अरहम सब ही कमाल साहब के साथ अस्पताल में थे, जबकि वो तनहा घर पर थी। शाहजर उससे बेसाख्ता निगाहें चुरा गया। आज तो लगता है मौसूफ रास्ता भूल कर इधर आ गए हैं। उस पर निगाह पड़ते ही वो खासी पुरशिकवा निगाहों से उसकी तरफ देखती हुई बोली थी, जब वो थके थके से अंदाज में खुद को उसके करीब ही सोफे पर गिराते हुए बोला, सॉरी मैदी, पता नहीं हालात को क्या हो गया है, सब कुछ बदल गया है, सब कुछ। क्या तुम्हारा दिल भी? वो जाने क्या जानना चाह रही थी। शाहजा चेहरे का रुख फेर गया। पता नहीं यार, अंकल और आंटी कहाँ हैं? अस्पताल। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर, तुम अपना ख्याल रखना। जल्दी से कहकर वो उठा था जब मदिया ने पुकार लिया, शाहसर बात सुनो। वो रुक गया मगर पलटा नहीं। हाँ कहो। शाफिया या अनुषा का कुछ पता चला? फिर वही सवाल जिससे बचने के लिए उसने खुद को घर में मुकीद कर लिया था। उसे फिर अजियत हुई थी, तब ही मुख्तसर लहजे में बोला, नहीं। मदिया भी अगला सवाल करना ही चाहती थी कि वो तेज तेज कदम उठाते हुए टीवी लाउंज से निकल गया। पिछले कितने दिनों से शायान उससे मिलने कोठे पर नहीं आया था। एक दो बार उसने चक्कर लगाया भी तो आंसा ने मिलने से इनकार कर दिया। उसे अपने जख्म खुद उधेड़ने से वहशत होने लगी। अंदर कहीं अब जैसे जिंदगी थकने लगी थी। वो नहीं जानती थी कि फरहान उसके लिए दिल में कैसे जज्बात रखता है। ताहम फिर भी जब उसने अपने एहसास उससे शेयर किए थे तो उसे खुशी हुई थी। शायद चाहे जाने का एहसास हर औरत को ही तफाखर से हमकनार करता है। वो अभी ठीक से मुस्कुरा भी ना पाई थी कि शायान तेज तेज कदम उठाता आइन उसके मुकाबिल आकर रुक गया। अच्छा तो ये है तुम्हारी नई मसरूफियत, तभी मुझे साइड पर कर दिया। मैं भी कहूँ, यूं अचानक मुझसे ला ताल्लुक क्यों हो गई है? अब वजह समझ में आ गई है। उसका लहजा हकारत से पुर था। आंसा शशदर सी उसके इश्तियाल भरे अंदाज को देखती रही। मैंने सुना था औरत जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा प्यार करती है। लानत है तुम पर, आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूंगा। वो दिल का गुबार निकाल रहा था और इधर आंसा भरे पार्क में अपना तमाशा बनने पर दम बखुद सी बैठी रह गई थी। इस शख्स ने इस बार इसके दिल पर नहीं रूह पर वार किया था। ये कुत्ता कौन है आंसा जी, और ये इस तरह आप पर क्यों भौंक रहा है? फरहान जो मामले को ना समझते हुए अब तक खामोश था, अचानक मुश्ताल हो उठा। मगर इससे पहले कि आंसा कोई जवाब देती तो शायान बोल पड़ा, हाँ मैं कुत्ता हूँ, क्योंकि मैंने दूसरी पाकबाज औरतों को छोड़कर इस तवायफ से प्यार किया, इसे इज्जत और एहतराम दिया, मगर ये इस इज्जत और एहतराम के लायक नहीं थी। इस औरत से कोई बेवकूफ़ी मोहब्बत कर सकता है, मेरे जैसा शरीफ इंसान नहीं। उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो रहा था। फरहान गुल की आंखें यक लखत हैरानी से फैली थी। व्हाट? हाँ तवायफ है ये औरत, इसे क्या पता सच्चा प्यार क्या होता है। वो जाने उससे कौन सी दुश्मनी का हिसाब बराबर कर रहा था। आंसा के साथ साथ फरहान को लगा उसकी समातों ने काम करना छोड़ दिया हो। वो औरत जो उसके अंदर किसी देवी का रूप लेकर पूरी शान से बस रही थी, उसी देवी का बुत फकत चंद घड़ियों में टूटकर पाश पाश हो चुका था। आंसा में सिर उठाने की हिम्मत नहीं रही थी। शायान अपने दिल का गुबार निकाल कर तेज तेज कदम उठाते हुए पार्क से निकल चुका था, जबकि फरहान अब भी यूं बैठा था
गोया अभी अभी उसकी कुव्वत समात और बिसारत दोनों ने काम करना छोड़ दिया हो। धूल उड़ती निगाहों में इस वक्त सिर्फ टूटे एतवार की किरचियों का खून बिखरा था। उसकी तबीयत बेकल हो रही थी, लिहाजा दादी माँ को बताकर वो घर से निकल आई। इरादा करीब ही पीर शाह के मज़ार तक जाने का था। उसने अभी पूरा गांव नहीं देखा था। ताहम झूरे माची की छोटी लड़की छन्नों ने उसे गांव के खास खास घरों और लोगों के साथ साथ गांव के कुछ खास मकामात के बारे में खासी जानदार मालूमात फराहम कर दी थी। सूरज अभी पूरी तरह गरूब नहीं हुआ था। ऊपर से ठंडी ठंडी हवाओं में झूलते सरसब्ज दरख्त और नीले आसमान पर उड़ते हल्के हल्के सफ़ेद बादलों ने माहौल की खूबसूरती को मजीद चार चांद लगा दिए थे। वो चादर का पल्लू संभालती आगे बढ़ती गई। दूर कहीं चलती पनचक्की की आवाज़ एक खुशगवार तासुर असाब पर छोड़ रही थी। कब्रिस्तान के करीब आबाद घरों में खालिस देहाती जिम्मेदार खवातीन अपने अपने मवेशियों का गोबर एक जगह पर इकट्ठा करके उसके उपले बनाते हुए उसे खासी दिलचस्प निगाहों से देख रही थी। करबो जवार में किसी घर से उठती हलवे की खुशबू ने उसकी भूख के एहसास को जगा दिया था। नज़र से कुछ ही फासले पर चंद नंग धड़ंग बच्चों को बारिश के ठहरे हुए गदले पानी में खेलते हुए देखकर उसने वहां स्कूल बनाने का इरादा किया था। पीर शाह के मज़ार पर हाजिरी देकर वो अभी मज़ार की सीढ़ियां उतर रही थी कि एक मरतबा फिर सांवर शाह से उसका टकराव हो गया। ताज़ा शेव के साथ साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस वो शख्स उसे बहुत कुछ याद करवा गया था। इस वक्त भी वो उसकी जुर्रत पर गुस्से होती, सिर उठाए उसे नफरत से देख रही थी। जब वो गुदास लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट बखेरते हुए बोला, बड़े मज़ारों के चक्कर लग रहे हैं, कभी टिक कर घर भी बैठ जाया करो। उसके हुलिये की मानिंद आज उसका लहजा भी नरम और खुशगवार था। अंजला ने अपनी निगाहें उसके चेहरे से हटा ली। मैं तुम्हें अच्छी तरह जान गई हूँ सनी दादा, कि इस मुल्क का कानून किसी भी गुनाह के बावजूद तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ इतना याद रखो कि इस दुनिया से ऊपर एक अदालत अल्लाह की है, जहाँ पर इंसान को उसके किए गए अमाल का पूरा पूरा बदला मिलेगा, और वहीं तुम्हें भी अपने हर गुनाह का हिसाब देना होगा। कितना जी लोगे तुम यहाँ, बोलो। सिर्फ एक लम्हा लगेगा आंखें बंद होने में, और फिर ये सारे इख्तियार तुमसे छिन जाएंगे, जिन पर अभी तुम बड़ा इतरा रहे हो। बस अब वो अभी कुछ और भी कहती कि उसके सामने खड़े सांवर शाह ने हाथ उठाकर उसे मजीद बोलने से रोक दिया। हर वक्त लेक्चर झाड़ने के मूड में मत रहा करो, ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी नहीं मेरा गांव है, और यहाँ वही बात कही सुनी जाती है जो मेरे मुंह से निकलती है। शट अप, तनफर से कहकर उसने रुख फेर लिया था। सांवर कुछ देर गहरी निगाहों से उसकी तरफ देखने के बाद खुद भी आहिस्ता से रुख फेर गया। यहाँ से चली जाओ अंजला, प्लीज। उसका लहजा यकसर बदल गया था, मगर अंजला शाह ने उसकी तरफ नहीं देखा। क्यों चली जाऊं, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है ये गांव। अब मैं यहीं रहकर तुम्हें एक रोज जेल की सलाहों के पीछे ना पहुंचाया तो मेरा नाम भी अंजला शाह नहीं। उसका अंदर जल रहा था। सांवल के लबों पर फिर धीमी सी मसहूर कुन मुस्कुराहट बिखर गई। बेमौत मर जाओगी, मत ऐसी ख्वाहिशें पालो अंदर जो कभी पूरी नहीं हो सकती। खुशफहमी है तुम्हारी, याद रखना सांवल शाह, तुम्हारी मौत होगी तो अंजला शाह के हाथों और किसी के हाथों नहीं, नफरत भरे धमकी आमेज लहजे में कहती वो आगे बढ़ गई थी। जबकि सांवल पीर शाह के मजार के बाहर खड़ा उसे देर तक जाते हुए देखता रहा। वो चुप भी बैठा है तो मुझको सुनाई देता है, हर एक चेहरे में वो ही दिखाई देता है। मुझे भी रौनक दुनिया पसंद है, लेकिन तेरा ख्याल कब मुझको रिहाई देता है। वो अरसलान हैदर के ख्यालों में गुम बैठी उसे कॉल करने का सोच रही थी, जब शुजा अपनी बेटी को गोद में उठाई उसके कमरे की दहलीज पर आकर रुक गया। मिस मामा, हाथ में पकड़ी चाबी से उसने पहले आहिस्ता से उसके रूम का दरवाजा नॉक किया, फिर उसे पुकारा। अमामा चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। जी जी सर। ये बेबी को संभाले, मैं 2 रोज के लिए न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, अभी 20 मिनट बाद फ्लाइट है मेरी, ध्यान रखिएगा प्लीज। जी जी जरूर। वो जहनी तौर पर हाजिर नहीं थी, मगर फिर कभी खुशी से इस बात में सिर हिलाते हुए उसने गुड़िया को थाम लिया था। शुजा के घर से रुखसत होने के बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अब यकीनन वो पूरी आज़ादी के साथ उसके कमरे का लॉक तोड़कर भी अपनी मतलूबा फाइल तक पहुंच सकती थी। शुजा रुखसत हो चुका था और अब वो खुशी से कपकपाती उंगलियों के साथ अरसलान हैदर का नंबर डायल कर रही थी।
ताकि उसे भी खुशी करके मना सके। वो अभी अस्पताल पहुंचा ही था जब सैयद कमाल साहब की जिंदगी के चराग गुल होने की खबर मिली और उसके कदम जैसे उनके वार्ड की दहलीज पर ही ठटक गए। अंदर साइला बेगम पछाड़े खा रही थी और उनके बच्चे दाएं बाएं खड़े नम आंखों से अपने सामने पड़े अपने बेजान बाप को देख रहे थे। शायद अभी अभी डॉक्टर्स ने उनके चेकअप के बाद उनकी रूह के दारे फानी कूच कर जाने की तस्दीक की थी। उसके दिल और आसाब का बोझ एकदम से भरा था। पी दर पे तूफानों ने उसके दिल का रास्ता जैसे देख लिया था। बेहद सादा और मुशफ़िक उस शख्स की मौत का जिम्मेदार भी वही था। ना वो अनुषा को अगवा करता, ना ये सब होता। उसके अंदर फिर पछतावों का गुबार बड़ा था। अनुषा अगर होश में आ जाती तो क्या इतने बड़े नुकसान के लिए उसको माफ कर पाती? आसाबी दबाव एकदम से इतना बड़ा था कि वो वही कमाल साहब के रूम की दहलीज से वापस पलट आया था। हॉस्पिटल से सीधे घर पहुंचकर उसने ख्वाब आवर गोलियां फांकी और पानी का पूरा गिलास एक ही घूंट में खाली करके वही अपने बेड पर गिर गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका मोबाइल मुसलसल चीख रहा था। कमाल साहब को गुसल दिया जा चुका था और अब उनकी तदफीन के लिए तैयारी की जा रही थी। शाहजार में उठने की सकत नहीं थी। इसके बावजूद वो मुंह पर ठंडे पानी के छपाके मारकर घर से निकल आया था। मदिया और साइला बेगम का हाल देखने लायक ना था। वो चौर सा एक साइड पर खड़ा अरहम लोगों से ताजियत करता, उन्हें तसल्ली देता रहा। अतर की जुबानी उसे पता चला था कि कमाल साहब की तबीयत कल शाम के बाद ही ज्यादा बिगड़ी थी। उससे पहले वो नीम बेहोशी में सिर्फ अनुषा और जावर को ही पुकारते रहे थे और कितने अफसोस की बात थी कि वो दोनों बच्चे ही उनका आखिरी दीदार तक नहीं कर सकते थे। शाहजार के अंदर एहसास जुर्म मजीद बढ़ गया। यजदानी पैलेस में उसने नुसरत बेगम और सैयद जमाल साहब को भी निढाल देखा था। वो दोनों जावर को लेकर भी बहुत परेशान थे। शाहजार की उलझने मजीद बढ़ गई। जावर की एकदम से गुमशुदगी उसकी समझ से बाहर थी। वो जहां भी था, जिस हाल में था, अगर खैरियत से था तो अपने घर वालों को कम से कम अपने मुतल्लिक इतला तो दे सकता था। कमाल साहब की तदफीन हो चुकी थी जिसके फौरन बाद वो वहां से निकलकर पिंडी आया था और उस रोज उसने सिर्फ दिन ही नहीं रात भी अनुषा के पास ही गुजारी थी। बहुत देर तक उसका हाथ उठाकर अपने हाथ में लिए वो रोता रहा था। अनुषा, खुदा के लिए आंखें तो खोलो, मेरी आंखों में मचलते पिशमानी के आंसू तो देख लो, फिर चाहे तुम मुझे मेरी जिंदगी से दूर कर देना, मगर प्लीज सिर्फ एक बार कह तो दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया, प्लीज। बच्चों की तरह रोते हुए वो जाने उससे क्या क्या कहता रहा था। पिछले 3 माह में उसने पानी की तरह पैसा बहा दिया था। हजारों लाखों का हिसाब नहीं था। अनुषा का इलाज महंगा तरीन हो रहा था मगर उसे अपने पैसों की परवाह कहाँ थी। उसे हर कीमत पर अनुषा रहमान की जिंदगी मतलूब थी। उसकी सोचो, उसकी यादों और उसके तसव्वुरात में हमा वक्त अनुषा रहमान का गुजर था। जिंदगी के रंग एकदम से कितने फीके पड़ गए थे। शाम ढल रही थी जब थके थके से सैयद जमाल साहब सुस्त कदमों से चलते घर के कुशादा सहन में आ बैठे थे। नुसरत बेगम की आंखों में अभी तक नमी झिलक रही थी। जमाल, जावर का कुछ पता चला? मेरा दिल होल रहा है। बदनसीब को बाप का आखिरी दीदार भी नसीब नहीं हो सका। सदफ का भी कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ है। और अनुषा, उसे तो जैसे ये जमीन ही निकल गई है। मेरा दिल फट जाएगा जमाल, प्लीज आप कुछ करें। सैयद कमाल साहब की रहलत को 2रा माह शुरू हो गया था मगर अभी तक ना उन्हें अनुषा की कोई खबर मिली थी और ना जावर की। वो माँ नहीं मगर माँ जैसी तो थी। जमाल साहब उनका दुख और परेशानी समझ सकते थे मगर अभी तो वो खुद निढाल थे। इकलौते भाई की अचानक मौत ने उन्हें अंदर से तोड़कर रख दिया था, लिहाजा उनके सिसकते लहजे के जवाब में फकत सिर झुकाकर रह गए। सब्र करो नुसरत और अल्लाह से बेहतरी की दुआ करो, बेशक वो अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। मुझे सब्र नहीं आ रहा, पता नहीं मेरे बच्चे किस हाल में होंगे। ऊपर से साइला के इल्जाम, मेरा दिल नहीं मानता। दिल तो मेरा भी नहीं मानता। खैर, तुम दुआ करो, मैं फिर थाने जाकर पता करता हूँ। थकन से चूर होने के बावजूद वो दोबारा पाँव में जूते अड़सते हुए घर से बाहर निकल गए थे जबकि नुसरत बेगम पलके मौंद कर जिक्र अल्लाह में मसरूफ हो गई थी। चलो ये फ़र्ज करते हैं कि तुम मशरिक, मैं मगरिब हूँ। चलो ये मान लेते हैं, बड़ा लंबा सफ़र है ये, मगर ये भी हकीकत है। तुम्हारी ज़ात का सूरज बहुत सा रास्ता चलकर मेरी हस्ती में डूबेगा।
शाम के धुंधलके गहरे हो रहे थे। वो मलूल सा गाड़ी के बोनट से टेक लगाए बैठा रो रहा था, जब किसी ने आहिस्ता से अपना हाथ उसके मजबूत शाने पर धर दिया। शाह सर, लहजे में अब बेहद अपनायत थी, ताहम उसने पलट कर नहीं देखा। कम ऑन यार, कितने दिन हो गए तुम्हें घुट घुट कर जीते हुए, ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हारे यूं आंसू बहाने से वो लड़की होश में तो नहीं आ जाएगी? उसका अजीज़ जान दोस्त आबाद उससे कह रहा था, मगर वो सुनसा बैठा रहा। चलो उठो, उठकर शावर लो, शेव बनाओ, सर्दी बढ़ रही है, मगर तुम्हें कोई एहसास नहीं है? इस बार उसने शाहजर को जबरदस्ती उठाने की कोशिश की थी, मगर वो टस से मस ना हुआ। शाहजर उठो यार प्लीज, उसे गुस्सा आया था, तब भी वो आंसू पीते हुए बोला, आबाद अगर उसे होश ना आया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह करीम है, क्या तुम अल्लाह की रहमत से मायूस हो सकते हो? नहीं, मैं अपने अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूँ, मगर मगर क्या, हौसला रखो यार, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। हौसला नहीं है अब मुझ में, मेरा ज़मीर मुझे माफ़ नहीं कर पा रहा। अब्बाद मैंने जुल्म के साथ साथ गुनाह भी किया है, वो गुनाह जिसकी माफ़ी नहीं है, हौसला कैसे करूँ मैं? कहने के साथ ही वो फिर बेबसी से रो पड़ा, तो अब्बाद ने उसके मजबूत कंधों के गिर्द हाथ फैला के उसे खुद से लगा लिया। तुम्हें अपने गुनाह और जुल्म का एहसास हो गया, यही तुम्हारे नेक होने की दलील है, वगरना क्या नहीं हो रहा इस दुनिया में, सुबह शाम ज़मीर बिकते हैं, कौन तौबा करता है? चलो हॉस्पिटल चलते हैं, बेशक अल्लाह की रहमत का दायरा तुम्हारे गुनाह से ज़्यादा वसी है, और तुम जानते हो ना उसकी रहमत से मायूस होना कितना बड़ा गुनाह है। वो उसकी ज़ुबानी तमाम अहवाल मुख्तसरन सुन चुका था, तब ही हौसला देते हुए बोला, तो शाहजार ने आहिस्ता से असबात में सिर हिलाते हुए अपने आंसू पोंछ लिए। हाँ तुम ठीक कहते हो, बेशक वो मेहरबान है, मुझे रोने की बजाय उससे दुआ करनी चाहिए। अब बात की कोशिश बेकार नहीं गई थी, वो गाड़ी के बोनट से उठकर अंदर गाड़ी में फ्रंट सीट पर आ बैठा। गुड, ये हुई ना मर्दों वाली बात, वैसे एक सवाल पूछूं, सच सच जवाब दोगे? ड्राइविंग सीट खुद संभाल कर गाड़ी स्टार्ट करते हुए आबाद ने अचानक सवाल किया, जवाब में शाहजर ने पलट कर उसकी तरफ देखे बगैर धीरे से इस बात में सिर हिला दिया। तुम, मेरा मतलब है कहीं तुम्हें उस अनुषा से प्यार तो नहीं हो गया? नहीं। तो फिर अगर उसे कभी होश ना आया तो क्या तुम सारी जिंदगी यूं ही घुलते रहोगे? वो उसका हमदर्द था, तब ही फिक्र कर रहा था। शाहजर ने अपना रुख आहिस्ता से खिड़की की जानिब फेर लिया। मैं उसकी तलब के सहारे ज़िंदगी को नहीं घसीट रहा आबाद, ना ही मेरे दिल में उसकी मोहब्बत का कोई दीप रोशन है। मैंने तुम्हें बताया ना, उसे मैंने कभी पसंदीदगी की निगाह से देखा ही नहीं, तो फिर तुम्हारी आंखों में उसे खो देने का दर्द क्यों मचल रहा है? क्यों उसके लिए इतने डिस्टर्ब रहते हो तुम? पता नहीं यार, शायद ये मेरा एहसास जुर्म है जो मुझे किसी पल चैन लेने नहीं दे रहा, मगर तुम देखना आबाद, जिस रोज़ उसे होश आ गया और वो मुझे माफ़ करके नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी को जीना शुरू हो गई, उस रोज़ मैं दर्द के इस हिसार से बाहर निकल आऊँगा जो अब हमा वक्त तुम्हें मेरी आंखों में मचलता दिखाई देता है। कहने के साथ ही उसने पलके मौंद कर सिर कुर्सी की पुश्त गा से टिका दिया, तो आबाद ने आहिस्ता से इस बात में सिर हिलाकर अपनी मुकम्मल तवज्जो फिर से ड्राइविंग सीट पर मरकूज कर दी। हेलो अरसलान, मैं अमामा बोल रही हूँ, एसपी शुजा हसन के घर का नंबर है ये, मेरे सेल में कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक से काम नहीं कर रहा। बार बार कॉल मिलाने के बाद जैसे ही दूसरी तरफ से अरसलान ने कॉल पिक करके हेलो कहा, वो पुरजोश अंदाज में शुरू हो गई। दूसरी तरफ नींद से बेदार होने के बायस उसके लहजे में खफगी थी। तो ये कि मैं अपनी मोहब्बत के इम्तहान में कामयाब होने वाली हूँ, आज वो एसपी का बच्चा मुल्क से बाहर गया है, परसों कहीं वापस आएगा, घर की सारी चाबियाँ यही हैं, कल मैं तुम तक वो फाइल पहुंचा दूंगी जिसकी वजह से तुमने इतने दिनों से मुझे जुदाई का अजाब दिया हुआ है। वाकई? अरसलान की नींद भक से उड़ गई थी। हाँ अब तो मानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, वो इतराई थी। हाँ जानी, मान गया हूँ, मुझे खुद कहाँ कुछ अच्छा लग रहा है तुम्हारे बगैर, सारा घर सोना सोना लग रहा है, अम्मी कितनी बार तुम्हारा पूछ चुकी हैं, आज आ जाओ ना मिलने। सिर्फ एक लम्हे में वो फिर पहले जैसा हो गया था, अब मामा का दिल खुशी से भर गया। शुक्रिया, मैं आज ही घर आ रही हूँ।
खुशी उससे संभाली नहीं जा रही थी। अरसलान ने फौरन अलविदाइया कलमात प्यार से कहकर लाइन काट दी। आजकल वो ज्यादा देर अपना नंबर मसरूफ नहीं रख सकता था क्योंकि उसकी नई महबूबा उसे बार बार चेक करती रहती थी और फिर उसे कसम उठाकर अपनी सफाई पेश करनी पड़ती थी। पहले ही बहुत गुनाह सिर हो गए थे, लिहाजा वो एहतियात कर रहा था। रिसीवर क्रेडल पर डालकर वो पलटी ही थी कि शुजा की सदा ने चौंका डाला, मिस अमामा। वो अपने कमरे की दहलीज पर खड़ा था। अमामा को लगा बस उसकी जिंदगी में आफियत की घड़ियां यहां तक थी। किससे बात हो रही थी? चेहरे पर मुकम्मल संजीदगी तारी किए शुजा उससे पूछ रहा था और वो निगाहें झुकाए खड़ी अंदर से बर्फ हो रही थी। कजन से। ओके, मैं एक जरूरी फाइल भूल गया था, वही लेने आया था। अब्बा जी अभी सो रहे हैं, उठ जाए तो बता दीजिएगा कि मैं एक दो रोज के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। व्हाट? वो सिर्फ चौंकी नहीं थी बल्कि बेहद हैरान भी रह गई थी। शुजा ने पलटते पलटते रुक कर उसे देखा था। व्हाट, क्या आप ठीक तो हैं? जी मैं ठीक हूँ। वो असल में डर गई थी कि कहीं आपका नंबर इस्तेमाल करने पर मुझे डांट ना दें। आपने कुछ कहा ही नहीं। लम्हों में खुद को संभाला था उसने। शुजा उसकी पेशानी पर चमकते पसीने के कतरे देखकर मबहम सा मुस्कुरा दिया। मैं इतना जल्लाद नहीं हूँ जितना आपने समझ लिया है। वैसे मैं अभी लाउंज में एंटर हुआ था। अगर आपने अपने कज़न से दिल की कोई बात कह भी ली है तो बेफिक्र रहिए, मैंने कुछ नहीं सुना। वो बहुत कम मुस्कुराता था मगर जब मुस्कुराता था तो सामने वाले को अपने हिसार में जकड़ लेता था। अमामा हूंकों की तरह सिर उठाए उसे देखती रह गई थी जबकि वो खुशगवार मूड के साथ दहलीज से ही फिर पलट गया था। शुक्र, जान बची सो लाखों पाए। खुदा ने एक मरतबा फिर मुझे बचा लिया बाल बाल। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे अल्लाह पाक। उसके जाते ही गहरी सांस भर के वो सोफे पर ढेर हो गई थी। गौरी ने अपने मुंह पर भारी हाथ जमने के बाद काफी एहतजाज किया था। उसकी कलाई में पड़ी चूड़ियों की खनक और घुटी घुटी आवाज पर जावर ने करवट बदली और फिर जो मंजर देखा उसने उसे छटका दिया। उसके जख्म अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुए थे मगर इसके बावजूद वह किसी बाज की तरह लपक कर गौरी की मदद के लिए उसकी तरफ बढ़ा था। शाहिद हुसैन ताकत में उससे दुगना था मगर उसने अपने जख्मों की परवाह किए बगैर उसे काबू कर लिया। बी अम्मा की आंख भी खटके से खुल गई थी। ताहम इससे पहले कि सारा गांव जाकर वहां जमा हो जाता, शाहिद हुसैन ने होशियारी दिखाई और जावर की गिरफ्त से खुद को छुड़ाते हुए फौरन दीवार पर लांग कर फरार हो गया। उसका मकसद फेल हो गया था। गौरी की सांस से सांस नहीं मिल रही थी। खुद जावर भी 10-15 मिनट की जंग में खासा हांप किया था। गौरी, क्या हुआ पुत्र? बात अभी तक अम्मा बी की समझ में नहीं आई थी तभी गौरी हकारत से एक साइड पर थूकते हुए बोली, वो कुत्ता आया था मुझे उठाने, उस रोज धमकी देकर गया था ना। क्या? बी अम्मा का दिल धक से रह गया। तब ही जावर बोला, आप परेशान ना हो अम्मा, मैं कल अपने शहर जा रहा हूँ। आप और गौरी मेरे साथ शहर चलेंगी, फिर वहीं मैं अपने दोस्त से बात करके इस जलील इंसान का बंदोबस्त करवाऊंगा। वो ऐसे नहीं समझेगा, इसलिए हो सकता है दोबारा फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। हमें उसकी तरफ से मजीद गफलत नहीं बरतनी चाहिए। जावर के कहने पर गौरी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। वो शख्स उसके ख्वाबों का शहजादा नहीं था मगर मसीहा बनकर उसकी जिंदगी में दाखिल जरूर हो गया था। यूनिवर्सिटी में इन दिनों स्ट्राइक चल रही थी लिहाजा वो और मीरान दोनों ही यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे थे। उस रोज मौसम बहुत अच्छा था। मीरान उसे अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने के लिए खुद उसके घर आया। वो किचन में मसरूफ थी मगर मीरान की ख्वाहिश पर सारे काम छोड़कर कनीज बेगम से इजाजत लेते हुए वो उसके साथ घर से बाहर निकल आई थी। उस रोज ग्रे कुर्ता शलवार में वो बहुत प्यारा लग रहा था। तकरीबन आध पौने घंटे के ड्राइव के बाद मीरान ने गाड़ी लॉक कर दी और दोनों हल्की हल्की फुहार में पैदल ही सड़कें नापने लगे। अंजला, मुझे तुमसे कुछ कहना था। उसके कदम से कदम मिलाकर चलते हुए मीरान शाह ने अचानक कहा था जब वो मुस्कुराते हुए बोली, तो कहो भाई, यहाँ चुप रहने का ऑर्डर किसने दिया है? मैं गांव जा रहा हूँ। अंजू, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इम्तहानात से कबल आ जाऊँगा, साथ में अम्मी को भी लाऊंगा। क्यों, अम्मी को क्यों लाओगे? उसका दिल धड़का था जब वो मुस्कुराते हुए बोला, किसी से मिलवाना है। किससे? है एक लड़की नटखट सी, अब उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना जरूरी हो गया है। उसकी रोशन आंखें मुस्कुरा रही थी। अंजला ने घबरा कर पलके झुका ली।
दिल की तेज रफ्तारी मजीद बढ़ी थी। वो दिन दोनों ने खुशी खुशी एक दूसरे की हमराही में ही बसर किया था। रात में मीरान को ट्रेन के जरिए गांव रवाना हो जाना था, लिहाजा वो देर तक जागती रही। जाने क्यों उसके जाने पर इस वक्त दिल पहली बार मुख्तलिफ वहमों का शिकार हो रहा था। उसकी मम्मा की बीमारी का मसला ना होता तो शायद वो उसे जाने ही ना देती, मगर उसके हजार वहमों के बावजूद वो रुखसत हो गया था। और बस यही मीरान शाह से उसकी आखिरी मुलाकात थी। वो वादे के मुताबिक दोबारा शहर लौट कर नहीं आया था, ना ही वो खुद यूनिवर्सिटी गई थी। इस वक्त उसके जहन में यही था कि मीरान ने ज़रूर उससे बेवफाई की है। उसकी बीमार माँ ने अपनी ख्वाहिश पर ज़बरदस्ती उसका निकाह किसी देहाती लड़की से करवा दिया होगा, और वह फरमाबरदारी की आला तरीन मिसाल कायम करता शादी करवा के अब उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा होगा। यही कुछ सोच सोच कर उसने खुद को तबाह कर लिया था, जब कनीज बेगम ने ज़बरदस्ती उसे हायर स्टडी के लिए भाई के पास इंग्लैंड भिजवा दिया। और अब जबकि सिर तापाप बदल कर वो वापस आई थी, तो ज़िंदगी ने एक मरतबा फिर उसे आग के दरिया में धकेल दिया था। वो बुरी तरह से रो रही थी। तुम्हें मरना होगा सांवल शाह, कुत्ते की मौत मरना होगा तुम्हें। गुस्से की आग एक मरतबा फिर शदीद हुई थी। इस वक्त उसका बस ना चलता था कि वो सांवल शाह की बोटियां करके चील कौओं को खिला देती। भी अम्मा अपने भतीजे और भतीजी के साथ गांव से जा रही थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लिहाजा दादी माँ ने उसे नहीं बताया। वो आजकल खुद भी संजीदगी से शहर जाने का सोच रही थी। दिल की हालत ये किसी तरह संभलती ही नहीं, ख्वाब दर ख्वाब हैं, ताबीर निकलती ही नहीं। जीस्त हैं शमा की मानिंद, हवा की जिद पर बस झुलकती है किसी हाल में, जलती ही नहीं। कश्तियां डूब रही हैं तो ये उसकी मर्जी, ये हवा है कि मेरी राह पर चलती ही नहीं। जीस्त बिखरी हुई रहती है मेरे जज्बों में, जाने क्या बात है एहसास में ढलती ही नहीं। हम गुजरे हुए लम्हात में गुम रहते हैं, जिंदगी है कि कभी राह बदलती ही नहीं। वह थका मांदा सा घर वापस लौटा था जब अपने सामने मदिया को बैठे देखकर ठठक गया। तुम यहाँ? ऑफ कोर्स, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती, तुम्हारा अपना घर है। वो शर्मिंदा हुआ था। मदिया में सूरखुन अंदाज में मुस्कुरा दी। अनुषा से मिलकर आ रहे हो ना, कैसी है वो? वो अभी सुकून से बैठा भी नहीं था कि उसके सवाल ने फिर हैरत ज़दा कर डाला था। तुम्हें कैसे पता अनुषा का? सब पता है, मुझे सावर का भी पता है कि वो कहाँ है। कहाँ है? वो फिर चौंका था जब वो बोली, पहले तुम बताओ, तुमने अनुषा की कहानी मुझसे क्यों छुपाई? घर में इतना फसाद खड़ा हुआ, अब्बू की जान भी चली गई, इस दुख में फिर भी तुमने किसी को कानों कान भनक तक पड़ने नहीं दी, क्यों? उसके सवाल में इसरार था। शाहसर ने अपना सिर बेहद थके अंदाज में सोफे की पुश्तगाह से टिका दिया। ये बहुत लंबी कहानी है मदिया, अगर किसी को सुना देता तो शायद सब मुझसे मुंह फेर लेते। बहुत जुल्म किए हैं मैंने उस लड़की पर, बहुत बुरा किया है उसके साथ मैंने। वो शुरू हुआ तो फिर मदिया, आइंदा मदिया का नाम बुरीरा लिखा जाएगा, यही उसका असल नाम है, वो सारी कहानी सुनाकर ही दम लिया। अब वो सब कुछ जानकर सुन बैठी थी। शाहसर, अगर वो जान से चली गई तो क्या तुम खुद को माफ कर सकोगे? नहीं, बस इसी बात का मलाल है मुझे। उसके लहजे में फिर शिकस्तगी उतर आई थी। अभी भी अपनी हैवानियत की बात तो वो छुपा ही गया था। बुरीरा उठकर उसके पास चली आई। तुम टेंशन मत लो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। शाफिया बहुत शर्मिंदा है तुमसे, प्लीज उसे माफ कर दो शाह सर। उसका नाम मत लो मेरे सामने प्लीज। वो चिड़ा था। बुरीरा चुप रह गई। यहाँ किसी के साथ आई हो तुम? अतर के साथ, उसे यहाँ कोई जरूरी काम था, मैंने जिद की तो मुझे भी ले आया। एक दो रोज में अम्मी भी आ रही हैं। क्यों? पता नहीं, तुम्हारी फिक्र सता रही थी, शायद इसीलिए आना चाह रही होंगी। ओके, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा रेस्ट करूंगा, तुम टीवी देख लो। कहने के साथ ही वो उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया तो बुरीरा उसका मुंह देखती रह गई। उसे ये जानने से भी दिलचस्पी नहीं थी कि उसे अनुषा के बारे में कैसे पता चला, ना ही वो उसे बता सकी थी
कि उसे अबाद के तवसत से तमाम कहानी का पता चला था। शायद वाकई इस वक्त वो भी बहुत डिस्टर्ब था। बुरीदा की उंगलियां अब शाफिया का मोबाइल नंबर प्रेस कर रही थी ताकि उसे शाहजर के रद्दी अमल के मुतालिक आगाह कर सके। अदरीस शाह को जैसे ही शाहिद हुसैन की हरकत का पता चला था वो बेहद मुश्ताल हो गया था। जावर ने उसे समझाने की कोशिश की थी मगर वो समझ नहीं रहा था। गोरी कहीं नहीं जाएगी, अभी भाई मरा नहीं है उसका। तुम देखना जावर, मैं उस कमीने को मार कर कुएं में फेंक दूं तो अदरीस नाम नहीं मेरा। वो खालिस देहाती था, जावर ने उसे समझाने की कोशिश तरक कर दी। वैसे भी उसे उन लोगों के आपस के मसाइल में पड़ने की कोई ख्वाहिश नहीं थी, वो तो सिर्फ इंसानियत के नाते उनकी मदद करना चाहता था। अब उसके जख्म भी काफी मंदमिल हो गए थे, लिहाजा भी अम्मा से माजरत करके वो उन सब के खलूस का शुक्रिया अदा करता अपने घर के लिए रवाना हो गया था। रास्ते में अदरीस उसे गांव के लोगों और पुराने वाकयात के मुतालिक बहुत कुछ बताता रहा था। उसने और गौरी ने उसे घर वालों के लिए बहुत सी खालिस देहाती चीज़ें भी तोहफे में दी थी जो अदरीस ने ही उठाई हुई थी। भी अम्मा ने वक्त रुख्सत बहुत सी दुआओं का तोहफा दिया था उसे। जावर ने दिल में सोच लिया था कि अब जब भी फुर्सत मिलेगी वो एक चक्कर गांव का ज़रूर लगाया करेगा। बेशक वहां के लोगों में मोहब्बत का रंग बहुत खालिस था। बस में बैठने से कबल उसने अदरीस को अपना फ़ोन नंबर और घर का एड्रेस भी दे दिया था ताकि किसी भी मामले में जब भी उसकी ज़रूरत पेश आए वो उसे मदद के लिए बुला ले। अदरीस ने उससे वादा किया था कि वो जल्द ही शहर का चक्कर ज़रूर लगाएगा। जावर की गाड़ी में बैठने और रवाना होने तक वो चेहरे से पसीना पहुंचता कच्ची सड़क पर खड़ा उसे निगाहों से ओझल होते देखता रहा था। हजार रंग गवारा तेरी खुशी के लिए, हजार गम तेरी खातिर भुला दिए हमने, जला के तेरी तमन्ना का दिल में एक चिराग, सभी चिरागे तमन्ना बुझा दिए हमने। वो मुअद्दब सा सायला बेगम के सामने सर निवाड़े बैठा था और वो उससे कह रही थी, शाहजर बेटा देखो मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। मुझे मालूम है कि नायला की अचानक नागहानी मौत ने तुम्हें बहुत बड़े दुख और नुकसान से दोचार किया है, मगर बेटा जिंदगी बड़ी जालम है। मुझे देखो, जान से प्यारी बहन के बाद अपना महबूब शोहर भी गवा दिया मैंने। मेरे पास क्या बचा है जीने के लिए, मगर बच्चों के लिए जीना पड़ेगा। तुम्हारे पास भी अभी बहुत से रिश्ते हैं जीने के लिए, इनकी कदर करो बेटा। शाहजर नहीं जानता था कि इतने दिनों के बाद वो ये सब उससे क्यों कह रही है, तब ही चुप बैठा रहा। बुरीरा उनके पास से उठकर किचन में चली गई थी। देखो बेटा, आजमाइशें और मुसीबतें तो सब पर आती हैं, अल्लाह अपने प्यारे बंदों से ही इम्तहान लेता है, इसलिए बंदों को चाहिए कि वो उसकी तरफ से आई आजमाइश में साबित कदम रहे और हर हाल में उसका शुक्रिया अदा करते रहे। अब मेरी तरफ ही देख लो, क्या मैंने सब्र नहीं किया? नायला की मौत यूं ही लिखी थी, फिर कैसे टल जाती? आंटी प्लीज, अगर इन सब बातों का मकसद शाफिया की वकालत है तो मुझे मजीद कुछ नहीं सुनना। वो चिढ़ गया था, तब ही वो बोली, मैं किसी की वकालत नहीं कर रही। जैसे तुम अजीज हो वैसे ही शाफिया भी मुझे अजीज है। उसने गलती जरूर की है मगर इतनी बड़ी नहीं की कि कभी माफी ही ना मिल सके। तुम ना रखो उसे अपने घर, मेरे पास रह लेगी वो, वैसे भी वहाँ ज्यादा बेहतर है। मैं उसकी नहीं तुम्हारी बात करना चाहती हूँ तुमसे। मेरी क्या बात करना चाहती है, मैं तो जी रहा हूँ। सिर्फ जीने से बात नहीं बनती, और हम माशाल्लाह खुशगवार जिंदगी बिता रहा है। उस शाफी की बच्ची ने हिमाकत ना की होती तो आज उसके साथ तुम भी खुशगवार जिंदगी जी रहे होते। नायला की बड़ी ख्वाहिश थी बुरीरा को अपनी बहू बनाने की, मगर मेरी बहन अपना आखिरी अरमान दिल में लिए दुनिया से रुखसत हो गई। मुझसे तुम्हारी तन्हाई देखी नहीं जाती बेटा, जिंदगी का क्या भरोसा, मेरे बाद कौन बुजुर्ग रहेगा तुम्हारे सिर पर। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है तुम्हारी और बुरीरा की शादी कर दूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं। गहरी सांस भरकर उसने अपना सिर सोफे की पुश्तगाह से टिका दिया था। बुरीरा बहुत अच्छी लड़की है, मेरे पास उसके सिवा और कोई च्वाइस नहीं, मगर फिलहाल मैं जहनी तौर पर शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। हो जाओगे, मैं अब मजीद तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकती। कैसा प्यारा घर था मेरी बहन के होते हुए, अब तो यहाँ बैठते हुए भी वहशत होती है। बस मैंने फैसला कर लिया है, इसी माह की आखिरी तारीख को मैं तुम्हारी शादी तय कर रही हूँ। तुम्हें जो तैयारी करनी है कर लो,
मैं अब मजीद छूट नहीं दे सकती तुम्हें। वो इसी मकसद के लिए आई थी और उनका मकसद पूरा हो गया था। आंटी मैं शाहजान ने इतनी जल्दी सब तय करने पर एहतजाज करना चाहा था, मगर साहिला बेगम ने उसकी बात काट दी। बस अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, बहुत कर ली तुमने अपनी मर्जी, अब और नहीं। उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर वो उठ खड़ी हुई थी। शाहजार की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो बुरीरा को उसकी बहुत सी अच्छी यादात के बाइस पसंद करता था, मगर अब जाने क्यों उसे किसी भी ताल्लुक की कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। वो हर चीज से फरार चाहता था, मगर जाने ये कैसी बेबसी थी कि वो चाहते हुए भी दिल की मर्जी नहीं कर पा रहा था।